हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको हम होमवर्क में देंगे, क्योंकि वो ग्राफ के क्वेश्चंस हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2, b1/b2 और c1/c2, फाइंड आउट whether the line representing the following pairs of linear equations intersect at a point, कॉमा यहाँ पर, are parallel या coincident। आपको इन equations में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का कंपेयरिंग करके ये बताना है कि ये इंटरसेक्ट होंगे एक पॉइंट पर या पैरेलल या कोइंसिडेंट होंगे। जो इनसे ग्राफ बनेगा आपका, वो ग्राफ इंटरसेक्ट होगा एक पॉइंट पर या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, ये आपको फाइंड करना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का कंपेयरिंग करके। नाउ स्टार्ट इसका पार्ट नंबर 1। 5x-4y+8=0, 7x+6y-9=0। a1 इक्वल 5 हो गया आपका, a2 इक्वल 7 हो गया, b1 इक्वल -4, b2 इक्वल 6, c1 इक्वल 8 और c2 इक्वल -9। x से पहले वाला आपका a हो गया, ये आपका a2 हो गया, ये b1, ये b2 और ये टोटल c1 c2। a1/a2 इक्वल आपका हो गया 5/7, b1/b2 आपका हो गया -4/6, इसको कर दीजिए सिंपलीफाई, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। a1/a2 5/7 आ गया, और b1/b2 -2/3 आ गया, दोनों ही इक्वल नहीं हैं। इट मीन्स a1/a2 इक्वल नॉट है b1/b2 के। c1/c2 को निकालने की आवश्यकता रही नहीं। जब a1/a2 इक्वल नॉट होता है b1/b2 के, तो वो इंटरसेक्ट होता है ग्राफ एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर। तो आप लास्ट में लिख देंगे, हैंस द लाइंस representing the given pair intersect at a point। यह आपका मेन आंसर हो गया, intersect at a point। जब आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो ये इंटरसेक्ट हो जाएंगी एक पॉइंट पर, इस तरह से। नाउ वी स्टार्ट इसका पार्ट नंबर 2। 9x+3y+12=0, 18x+6y+24=0। बिल्कुल सेम ऐसे करना है इसको भी। a1=9 हो गया, a2=18 हो गया, b1=3 हो गया, b2=6 हो गया, c1=12 हो गया और c2=24 हो गया। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a1/a2 इक्वल 9/18, इसे कर दीजिए सिंप्लीफाई,
नाइन वन जा नाइन टू जा, तो आपका ये आ गया वन अपॉन टू। बी वन अपॉन बी टू इक्वल थ्री अपॉन सिक्स, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, ये भी आ गया वन अपॉन टू। जब दोनों इक्वल आ जाएं तब तीसरे की आवश्यकता पड़ती है, सी वन अपॉन सी टू इक्वल ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी फोर, सिक्स टू जा और सिक्स फोर जा टू वन जा टू और टू टू जा फोर, ये भी आपका वन अपॉन टू आ गया। इस तरह से ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू इक्वल सी वन अपॉन सी टू आ गया, तीनों ही आपस में इक्वल आ गए। और जब तीनों ही आपस में इक्वल आते हैं तो ये आपका होता है कोइंसिडेंट लाइंस। तो आप लिख देंगे कोइंसिडेंट लाइंस। चलते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड, सिक्स एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टेन इक्वल जीरो और टू एक्स माइनस वाई प्लस नाइन इक्वल जीरो। ए वन अपॉन ए टू आपका आ गया सिक्स अपॉन टू, टू थ्री जा सिक्स और ये आपका आ गया थ्री अपॉन वन। बी वन अपॉन बी टू इक्वल आपका आया माइनस थ्री अपॉन माइनस वन, वाई से पहले कुछ नहीं है इसका मतलब वन है, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी थ्री आ गया, थ्री अपॉन वन या थ्री एक ही बात है। देन सी वन अपॉन सी टू इक्वल टेन अपॉन नाइन, जो कि सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो वी कैन सी हम देख सकते हैं कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू इक्वल नॉट सी वन अपॉन सी टू क्या आया। और जब ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू इक्वल नॉट सी वन अपॉन सी टू को आए तो ये आपका आंसर होता है पैरेलल। आपका ग्राफ हमेशा बनेगा पैरेलल। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।